This is Srishti from Paris. Look at the view. Now we go back to Vikram ji. Hello guys, this is Vikram. और आज के वीडियो में मैं आपके लिए आहूजा का सबसे पावरफुल एम्पलीफायर लेकर आया हूँ, SPA 25000। ये एक 2500 वाट का एम्पलीफायर रहेगा। इसका अनबॉक्सिंग और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो कि 100 वोल्ट लाइन मैचिंग को लगाने के लिए इनपुट भी कर सकते हैं 100 वोल्ट लाइन मैचिंग से ही। चलिए फीचर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं आगे, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूँ ये मैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को बिना किसी इंटरप्शन के, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये आहूजा का सबसे बड़ा सबसे पावरफुल एम्पलीफायर है अभी तक का। इसका मॉडल नंबर है SPA 25000। ये 2500 वॉट का एम्पलीफायर है। ये 3000 वॉट तक का लोड दे सकता है। इसका पावर कंजम्पशन जो है वो 3400 वाट बोला गया है, तो समझ में आता है कि 3400 वाट तक चल सकता है, लेकिन मैं आपको 3000 वाट तक ही रिकमेंड करूंगा। इसका वेट है 38 kg, 38.50, तो इसीलिए इसको दो लोग लगते हैं उठाने के लिए। काफ़ी अच्छा पैकिंग दिया था, थर्माकोल लगे हुए थे, और इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो बारी बारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 100 वोल्ट, 70 वोल्ट, 2 ओम्स, 4 ओम्स, ये सारे टाइप के आउटपुट दिए हुए हैं। इस पे आप ड्राइवर यूनिट्स भी लगा सकते हैं और इस पे आप स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। इसका स्पेशल बटन दिया हुआ है, डेडिकेटेड बटन, जो कि आपको ड्राइवर यूनिट या स्पीकर सिलेक्ट करने में मदद करेगा। चलिए अब इसका क्लोज लुक देखते हैं। So guys, this happens to be Ahuja SPA 25000 PA power amplifier। ये काफी मजबूत बना हुआ है, इसमें रैक माउंट दिया हुआ है जिसको आप 3UK फ्लाइट केस में भी फिट कर सकते हैं। ओवरलोड स्विच जिससे कि एम्प ओवरलोड हो जाएगा, फॉल्ट नहीं आएगा। ऑन ऑफ का इंडिकेटर LED दिया हुआ है, टेम्परेचर का, ओवरलोड का, फॉल्ट का, और इसके अलावा यहाँ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, लाइट इंडिकेटर्स। 0 dB तक आप चलाएं, उससे ऊपर ना जाएं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि आहूजा ने फैन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये वेंटिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से ठंडी हवा अंदर जाएगी। ये बटन है ड्राइवर यूनिट या स्पीकर बॉक्स के लिए। इसमें बास ट्रबल के बटन्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम कंट्रोल का एक बड़ा सा नॉब दिया हुआ है बटन को। ये गियर वाला बटन होता है, इसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा इसमें हैंडल्स लगे हुए हैं ताकि आप इसे उठा सकें, और आहूजा का टेस्ट कार्ड जो कि आहूजा की जेन्युइननेस को दर्शाता है। ये हैवी है इसलिए ये स्टिकर लगा हुआ है और आहूजा का मोनोग्राम लगा हुआ है ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका सेट ओरिजिनल है या नहीं। पाउडर कोटेड वाला इसका चेसी होता है, इसे जंग नहीं लगती है। दो वेंटिलेशंस दिए हुए, दोनों वेंटिलेशन से हमें दो ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं जो कि दोनों टोराइडल ट्रांसफार्मर हैं, राउंड वाले ट्रांसफार्मर। इसका साइड व्यू देखिए, साइड व्यू में आप समझ सकते हैं कि अंदर सर्किट दिख रहा है, इसको वायर्स दिख रहे हैं, मजबूत चेसी दी हुई है, इसका वेट भी अच्छा खासा ही है। यहां से हम लोग ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, इसका
वहाँ आगे देख रहे हैं हम लोग, बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में आप नोटिस कर सकते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक साइड में, यहाँ पे दो आउटपुट के स्लॉट्स दिए हुए हैं, वन इज रेड वन, वन इज द ब्लैक वन। ब्लैक वन मतलब कॉमन 2 ohms और 4 ohms। 8 ohms पे ये नॉन रिकमेंडेड है, एक स्पीकर के लिए चलता नहीं है ऐसा बोला गया है। बाकी आप 2 ohms पे यानी 4 speaker, 4 ohms यानी 2 speaker लगा सकते हैं। कॉमन 70 और 100 वोल्ट का भी इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, जिससे आप लाइन मैचिंग स्पीकर्स या यूनिट चला सकते हैं। ये काफ़ी तगड़ा मेंस कॉर्ड है, साइड में अर्थिंग के लिए क्लिप ये दिया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे MC भी दिया हुआ है ओवरलोड स्विच की जगह पे, ताकि आप अगर DC वोल्टेज को रॉन्ग भी करें तो ये MC भी गिर जाएगा, आपके सेट को हानि नहीं होने देगा। अच्छी बात है। फैन ये रखेगा इसे ठंडा ठंडा, गर्म नहीं होने देगा एम को आपके। उसके अलावा यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है 200 माइक्रोवोल्ट टू 1 volt। 1 volt मतलब अंदर का क्रॉसओवर बंद करके चलाना, 200 माइक्रोवोल्ट यानी अंदर का क्रॉसओवर स्टार्ट करके चलाना। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इनपुट दिए हुए हैं, बैलेंस अनबैलेंस्ड आउटपुट दिए हुए हैं, ताकि आप इसे डेजी चेन या कपल कर सकें। 100 वोल्ट इनपुट दिया हुआ है, 100 वोल्ट इनपुट यानी कि दूसरे एम्प से आप 100 वोल्ट आउटपुट निकालिए, जो आप स्पीकर्स को देते हैं वही इसमें घुसा दीजिए, ताकि ये 100 वोल्ट इनपुट स्वीकार लेगा और उस पर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड ऑन ऑफ ये आपकी मर्जी पे, हम लोग ऑन की सजेशन देते हैं। कंपनी का सीरियल नंबर का एक टैग लगा हुआ है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी में सीरियल वाइज काम होता है, और इसके थ्रू आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि आप ही का सेट है या नहीं। गाड़ी के जैसा नंबर आता है ये, इसको जंग लगा हुआ है, मैंने नोटिस नहीं किया था पहले, कोई बात नहीं सामने आते हैं। तो जैसे कि आप देख चुके हैं ये काफ़ी तगड़ा एम्पलीफायर लग रहा है। इसका आउटपुट क्या है लगभग 3000 तक, तो मैं आपको इसको चला के दिखाने वाला हूँ, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं अहूजा का एक सेटअप देने वाला हूँ। इस एम्पलीफायर का नाम होना चाहिए इंडियन खली, क्योंकि खली जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो क्योंकि आज हम लोग इस पे 4 speakers एक साथ कनेक्ट करने वाले हैं, तो 4 speakers मीन्स 2 ohms, क्योंकि एक स्पीकर 8 ohms का होता है, और 4 speakers अगर पैरेलल कनेक्ट किए जाएं तो वो 2 ohms पे काम करेंगे, इसलिए हम लोग इसे वायर कनेक्ट करते हैं 2 ohms पे। कॉमन ब्लैक वाला वायर जो होगा वो कॉमन पे लगेगा, और रेड वाला जो आउटपुट का वायर होगा वो 2 ohms पे लगेगा। ये वाले स्पीकर हम लोग इस पे जोड़ने वाले हैं। बैलेंस इनपुट अगर आप लगाते हैं तो आपको वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा मिलता है इसमें, और अनबैलेंस लगाने से कम मिलता है। इस वाले बॉक्सेस को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसी एम्प पे, लेकिन अगली वीडियो में, अगली वीडियो भी देखिएगा। इसमें हमने 18 इंच के स्पीकर डाले हैं, कौन से डाले हैं क्या डाले हैं वो सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटेंट दिखेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे फिट करे हुए हैं, असेंबल करे हुए हैं, कस्टमाइज करे हुए हैं, तो इसीलिए इसके साथ विकी वैन का ट्रस्ट होना ज़रूरी है। सो दिस इज दी विकी वैन ट्रस्ट, जो कि एक स्टिकर के थ्रू हम लोग अपने कैबिनेट्स पे लगाते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये टॉपिक आधा छोड़ रहा हूँ, तो मैं आगे के वीडियो में इसे कंटिन्यू करूँगा। इस एम्पलीफायर का टेस्टिंग मैं आगे के वीडियो में रख रहा हूँ। आगे के वीडियो का नाम रहेगा अहूजा DJ, जिसमें मैंने एक अच्छा खासा सेटअप दिया हुआ है DJ का, जिसमें ये वाला एम्प यूज़ किया है। तो इस एम्प का टेस्टिंग सुनने के लिए आपको वो वीडियो भी देखना पड़ेगा, और तब तक के लिए वेट भी करना पड़ेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के।
और मैं अपना ईमेल आईडी आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर ईमेल कर सकते हैं आप मुझे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।